अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का जो स्केच है वो वेडनेसडे एडम्स पे बेस्ड है, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। और इस स्केच में मैंने जो है ना सबसे पहले बालों को क्रिएट किया था। बालों पे मेरी बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल नोट नहीं दे रही। सिंपल है, आपको स्ट्रोक्स डालने हैं जो उनसे जिस डायरेक्शन में बाल जा रहे होंगे, कि छोटे छोटे पोर्शन में अगर काम किया जाए ना तो फिर ज़्यादा खूबसूरती से आता है। अगर आप सारा एकदम ही शुरू कर देंगे तो वो सारा मैस मचेगा, इसलिए आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ ही शुरू करें, थोड़े थोड़े पार्ट्स लेके। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ किया था, उससे काफ़ी अच्छी डिटेल्स आती हैं। जैसे अगर आपको ब्राइट ब्राइट डिटेल्स चाहिए अपने स्केच में तो ये बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा मोनो इरेजर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नीडिंग इरेजर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, इसको यूज़ करने से ऐसा लग रहा था जैसे आपने मिनी ड्रिल मशीन या टैटू मशीन होता है ना वो पकड़ा हुआ, इतना ज़्यादा इसमें वाइब्रेटिंग मोड ऑन होता है। बालों के लेयर्स का ध्यान रखते हुए उसके बाद मैंने जो है ना मैकेनिकल पेंसिल से जो इधर उधर बिखरे हुए छोटे छोटे बाल होते हैं वो इसी से बनाए थे। यहाँ पे मैंने ब्रेड बनाने के लिए मैंने ब्लैक चारकोल और ग्रेफाइट दोनों मिक्स करके यूज़ किया है। ब्रेड का एक ही रुख में जो है वह एक ही डायरेक्शन में सारा जो आ रहा होता है, तो इसलिए इसमें ब्रेड्स में इतना ज़्यादा टेंशन का कोई सीन नहीं होता। स्ट्रोक डालें ब्लेंड करें जब तक आपको अपने परफेक्ट अमाउंट ना मिल जाए। बाद में बीच में हाइलाइटिंग के लिए आप इरेजर यूज़ करें। यहाँ पे आईज पे मैंने 3B और 4B पेंसिल का यूज़ किया, और जो आई लेंस है उसमें मैंने 8B पेंसिल यूज़ किया है। और जहाँ पे थोड़ा सा जगह आंखों में एक शेड आता है लेंस के अंदर, उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। उस पर हल्का हल्का चारकोल लग गया था, जो मैंने उसको इलेक्ट्रिक इरेजर की मदद से ही साफ किया था। जो फेस की शेडिंग है उस पर मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया था, जो फोरहेड का पार्ट है इसमें 2B पेंसिल यूज़ करनी है। ज़्यादा डार्क नहीं था उस एरिया में, तो इसलिए मैंने लाइट पेंसिल ही यूज़ की है। जो नोज़ है उसमें 3B और 4B पेंसिल का यूज़ किया है। आईलैश मैंने 8B पेंसिल से बनाए थे, और इसको जो डार्क पार्ट्स होंगे उसमें आप डार्क पेंसिल यूज़ करके उसका शेडो पार्ट दे सकते हैं, वो उससे ज़्यादा अच्छी लुक आती है। अगर आप सेम पेंसिल ही एक ही स्केच में यूज़ करी जाएंगे तो उसका भी होता है कि अगर आपने एक ही पेंसिल से पूरा स्केच क्रिएट करना है तो उसका सबसे ज़्यादा चीज़ होता है आपको अपने हाथ के प्रेशर को कंट्रोल में रखना होता है। जहाँ लाइट शेड होगा लाइट कर दे, जहाँ फिर जहाँ पे डार्क होगा वहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। और स्केच आप एक पेंसिल से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। स्केचिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस ही होती है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको उसका जो है ना नज़र आएगा कि डिफरेंस आपके पहले स्केचिंग में और बाद की स्केचिंग में। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने पुराने स्केच दिखाऊंगी जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।
मैंने जो रेफरेंस पिक्चर लिया था उससे उसके मदद से ही मैंने ये पिक्चर क्रिएट किया था। रेफरेंस फ़ोटो ज़रूरी इसलिए भी होता है, आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा हो जाता है कि आपको स्केचिंग में कहाँ किस तरह का मेजरमेंट चाहिए और किधर क्या आना है। लिप्स के लिए मैंने 6B और 7B पेंसिल यूज़ की थी। जो नेक पार्ट है उस पे मैंने HB, 2B और 4B पेंसिल यूज़ किया था। चिन पार्ट पे थोड़ा सा डार्क एरिया चाहिए, लेफ्ट साइड में थोड़ा डार्क है, राइट में थोड़ा लाइट है, उस चीज़ को रेफरेंस फ़ोटो से देखते हुए नज़र में रखते हुए ही फ़ोटो क्रिएट करनी चाहिए। जो नीचे फ्रॉक था के ड्रेस है वो मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया था और ऊपर का कॉलर है वो मैंने 2B पेंसिल से यूज़ किया था, उसमें और कोई पेंसिल नहीं यूज़ किया। इसमें हाईलाइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फोटो रेफरेंस में काफ़ी जगह पे काफ़ी डार्क डार्क हाईलाइट्स थी। इसके ड्रेस पे जो पैटर्न था उसको इसी तरह से मैंने छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं किया। इसको मर्ज करने के ब्लेंड करने के बाद इसको मैं जो है इलेक्ट्रिक इरेजर से थोड़ा सा इस जगह को साफ करूँगी ताकि वो थोड़ा सा ब्राइट हो और थोड़ा ज़्यादा नुमाया हो। यहाँ पे इस फोटो में जो है इसके फेस पे फ्रैकल्स और मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था, पर मैंने फिर भी क्रिएट करने की कोशिश की। HB पेंसिल और इलेक्ट्रिक इरेजर से इसको रेज करते जाएं या मोनो रेजर ले लें, उसको थोड़ा सा डालें, HB पेंसिल को करें अलग अलग डायरेक्शन में डालनी है, एक ही डायरेक्शन में अगर आप करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। फिर जहाँ पे फ़ोटो में उसको ब्लेंड करें, जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा उसको रेज कर दें। जिधर जिधर हाईलाइट ज़्यादा देनी थी मैंने वो भी इसमें देती रही। और यहाँ पे मेरा स्केच कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।